असलम एंड लेट्स गेट राइटिंग आज हम बात करेंगे नॉन फिक्शन की ना हाउ इज़ नॉन फिक्शन डिफरेंट फ्रॉम फिक्शन फिक्शन की हमने जब बात की तो हमने कहा कि हम ऐसी चीज़ लिखें जिसमें थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड हो मगर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन हो सो वी वर कैप्चरिंग इमेजिनेशन नॉन फिक्शन उसका बिल्कुल उलट है नॉन फिक्शन इज़ अबाउट राइटिंग अबाउट रियल थिंग्स रियल फैक्ट्स रियल इन्फॉमेसन तो अगर हम डिफ़ाइन करने जाएँ तो नॉन फिक्शन की डेफिनेशन है प्रोज राइटिंग दैट इज़ इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल रान फिक्शनल मोस्ट नॉन फिक्शन इज़ रिटन टू एक्सप्रेस और टू इन्फॉर्म यानी कि हम नॉन फिक्शन इसलिए लिखते हैं कि कुछ हम अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं कोई हाइपोथिस है हमारा कोई सोच है हमारी कोई रिसर्च है जो हम शेयर करना चाहते हैं कोई इंफॉर्मेशन है कोई फैक्ट्स हैं um, है जो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि हमने ढूंढी है हमें पता चला है इसीलिए कंपेयर टू फिक्शन जहां रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉन फिक्शन पे रिसर्च इज़ की अगर रिसर्च आप नहीं करेंगे आपको फैक्ट्स का नहीं पता चलेगा तो आपको आ, आप इन्फॉर्म भी नहीं कर सकेंगे आप सही फैक्ट्स भी नहीं प्रेजेंट कर सकेंगे इसलिए पहला काम जो हमें करना चाहिए नॉन फिक्शन में वो है रिसर्च एंड मेकिंग श्योर दैट इट इज फैक्ट बेस्ड सो इफ यू मूव ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फिक्शन आर इट मस्ट इन्वॉल्व रियल पीपल प्लेस एंड इवेंट्स इट मस्ट बी ट्रू एंड इट मस्ट कंटेन फैक्ट्स अब हम बार बार फैक्ट्स बार बार फैक्ट्स की बात कर रहे हैं अब फैक्ट्स होते क्या हैं मैं यहाँ खड़ी हूँ ये फैक्ट है मैं चांद पे खड़ी हूँ ये फिक्शन हो जाता है इमेजिनेशन हो जाती है तो जब हम नॉन फिक्शन uh, की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फैक्ट की यानी कि मैं यहाँ पर खड़ी मैं वहाँ से चल के इधर आई ये नॉन फिक्शन राइटिंग हो जाती है सो रियल पीपल इट्स अबाउट मी रियल प्लेस दिस सेट एंड द रियल इवेंट आई वॉक फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस सो दिस बिकम्स नॉन फिक्शन ना क्या जरूरी है कि नॉन फिक्शन जो है वो बोरिंग हो एब्सोलूटली नॉट एंड आई थिंक एज नॉन फिक्शन रॉटिंग इज़ इवॉलविंग इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ करिएटिव एंड इट इज़ इंफॉर्मेटिव इन अ फ़न वे क्योंकि लोगों को हमने इंगेज करना है अगर हम बहुत बोरिंग तरीके से लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे नहीं जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर लोग को जो हम इंफॉमेशन देना चाहते हैं एजुकेट करना चाहते हैं जो नॉलेज देना चाहते हैं वो मिलेगी नहीं उनको क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन फिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो बट अगेन द की थिंग इज दैट इट हैज़ टू बी फैक्चुअल इट हैज टू बी रियल एंड इट हैज टू बी ट्रू सो एक अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें द नीड टू थिंक ऑन पेपर इज नॉट कन्फाइंड टू नोट बुक्स it spreads onto the backs of envelopes menus whatever scraps of paper are at hand and i often transcribe quotations i like writing or typing them on pieces of brightly colored paper and pinning them to a bulletin board कि पेपर पे लिखना जरूरी नहीं है हम किसी भी चीज पे लिख सकते हैं वी डोंट नीड टू राइट ऑन पेपर ओनली वी कैन राइट ऑन एनी थिंग नॉट दैज वन वे ऑफ सेइंग इट बट अ मोर फन वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज द वे दैट वी जस्ट रेड इट नाउ सो नॉन इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट नॉट टू टेक नॉन फिक्शन एज टू लिटरल एंड टू स्ट्रेट फॉरवर्ड आइदर दर देर आर सम फॉर्म्स ऑफ नॉन फिक्शन दैट हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट देर इज अ लॉट ऑफ रूम एंड वेराइटी इन नॉन फिक्शन नाव सो समाइप ऑफ नॉन फिक्शन दैट वी हैव इज एक्सपोजिट्री आर्गमेंटिव फंक्शनल क्रिएटिव ओपिनियन पीस एसेज ऑन आर्ट्स और लिटरेचर बायोग्राफीज एंड मेमोर्स बहुत पॉपुलर uh, होती जा रही हैं हमारा जर्नलिज्म जो है जो जर्नलिस्टिक राइटिंग है दैट इज़ कम्प्लीट नॉन फिक्शन बट इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी एंटरटेनिंग आप टी वी देखते होंगे और देखते होंगे कि वहाँ जो कॉन्टेंट बोल रहे होते हैं बहुत एंटरटेनिंग होता है उसमें तो शेर व शायरी भी ले आते हैं जब वो एक फैक्चुअल बात करने जाते हैं कोई इलेक्शंस की बात होगी तो उसमें कोई ना कोई एक मज़ा आ जाएगा या एक uh, शायरी आ जाएगी सो इवन नॉन फिक्शन इज बिकमिंग क्रिएटिव इन द वे दैट इट इज़ एग्जीक्यूटेड द थिंग अबाउट नॉन फिक्शन इज दैट आई विल रिपीट माई सेल्फ हैज़ टू बी रियल हैज़ टू बी ट्रू हैज़ टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड It is economical in its writing. So when you do write nonfiction, don't feel that it's a boring part of writing. It's actually a lot of fun. And a lot of people do write it, especially when they're looking at writing textbooks and information, research papers, or is ki jobs wo have in demand has freelancers, Thank you.